क्लास बाल है अपने दोत्र है अने भाजे है पता कितने दूर तो आया बहारा पोर्ट से वो मुझे पता था दावत है उनकी, मुझे पता था उनकी दावत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तबीयत सब कैसी है आपकी? अल्लाह पाक खुश रखे, आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक हर एक बहन भाई के घरों में ना खुशियाँ नसीब फरमाए, और जिस भी बहन भाई की औलाद नहीं अल्लाह पाक नेक नरीना औलाद अता फरमाए। तो अभी ना हम रवाना हो रहे हैं साकिब की दवाई लेने। जैसा कि आपको पता है कि हम बहावलपुर में भी जब से ये पैदा हुआ है हम दवाई लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। उसके जो ना एक मेन प्रॉब्लम है कि उसके मोशन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे। अभी ना इधर भी आया, तीसरा दिन है इसको, फिर भी वो मोशन ख़त्म नहीं हो रहे। कल हम गए थे एक डॉक्टर के पास, उधर से भी दवाई ली है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई फ़र्क महसूस भी नहीं हुआ। तबीयत जो है ना वैसे है, बाकी बुखार भी इसका साथ में शामिल हो गया। अभी ना हमने मामू अहमद को बोला कि हमें यार किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, हमने बच्चे की दवाई लेनी है, आगे चलते भी रहना। उन्होंने बोला चलो जी ले आए बच्चे को। तो अभी रवाना हो रहे हैं, मामू अहमद की कॉल आई है, बुलाते हैं कि आ जाओ फिर चलते हैं, गाड़ी उनकी रेडी है, अभी जाते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, पूरा जो है ना मुकम्मल चेकअप मुकम्मल टेस्ट करवाते हैं हर चीज़ का। दवाई ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, खानपुर से वापस आ चुके हैं। अभी आपको ये देखिए कौन सा शहर है, मेल चौक पे वापस आ चुके हैं। अभी ना कुछ मेरे ख्याल में लेने का दिल कर रहा है अहमद साहब का, क्या लेना है? वो शीशा नीचे करो, मैं बताती हूँ। शीशा जो नीचे करते हैं, टमाटर क्या रेट है? प्याज 250 का 2 किलो। टमाटर 120। अच्छा 120 टमाटर जो है ना वो ले लो, और प्याज 250 पे 2 किलो वो भी ले लो। हाँ जब तक मैं ना टमाटर रियायत क्या नहीं, 100 रुपये तो दे रहे हैं यार, प्याज भी 100 ये भी 100। कुर्बानी नहीं आई अभी। अच्छा जरा बकरा को ऐसे मजा आ रहा है वाला। चले आप अच्छा तो 2 किलो टमाटर, थोड़ा ना कच्चे पक्के पाएंगे, कच्चे पक्के फुल पक्के ना पाएंगे जो है ना। अरे ये बड़ा है मेरे रिजल्ट। चले जी सब्जी जो है ना वो ले रहे हैं। मैं आपको ना असल हकीकत बताना जा रहा हूँ, जो कि हम खानपुर गए थे उधर से जो है ना हमने दवाई लिया, 3 डॉक्टरों के पास गए हैं, एक का टाइम टेबल था 3 बजे। प्याज दे दो 4 किलो। अच्छा वो ना 3 बजे आता है डॉक्टर, छोटा साइज डालो, छोटा साइज। हाँ हेलो दरमियाना साइज जी, बोलो जी मोटे ना हो। अच्छा मैं बता रहा था पर बड़ा थोड़ा जहाँ हो तो आप नहीं कहा मैं यही बताऊंगा, मैं भी बता देती हूँ। हाँ जो अभी रास्ते वाली बात है वो रास्ते में बता दिया ना। तो 4 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर। हाँ जी 4 किलो। अच्छा तो उसके कितने हो गए पैसे? 840। ये बंदा जो है ना ये किसी को बात करने का मौका नहीं देता। अब मैं वो बताने लगता हूँ ना डॉक्टर का, हाँ सारा कुछ पा रहे मिर्चा ला रहे। अच्छा यार धनिया है? धनिया 4 किलो प्याज की तरह वो तो टमाटर ले के आ रहे हैं। 1240 रुपये हो यार ले लो। 1240 जी कैसे? 1000 रुपये का प्याज, 240 की टमाटर। अच्छा ऐसे दे दो यार, वो खिड़की नहीं खोल रही, ये तो नहीं आएगा ना। एक सेकेंड यार, प्याज 120 रुपये है ना, 250 रुपये का 2 किलो। अच्छा वो 125 रुपये किलो हो गया ना जी।
हाँ तो 125 जरा 4 500 रुपये ये बन गया और 240 वो बन गए, 740 रुपये, 740। अब 5000 वाला नोट है, 5000 है तो ये हमने खुले नहीं आपके पास, बिल्कुल नहीं। प्याज टमाटर ले लिया तो और मैं बता रहा था आपको कि एक लेडी डॉक्टर है, जल्दी आना खुले लेके ना, उसके पास गया तो टमाटर ये थोड़े छोटे छोटे डाले हैं ना, सही है सही है। यार मैं सारा कुछ सही है, आप ऐसा भी छुप कर के बैठे मुझे, ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी यार ये प्याज और टमाटर यार क्यों बीट रहे हो, पता नहीं कैसे हो तुम, इतने बड़े बड़े प्याज हैं बीट रहे हो, पिछू अपनी बेगम को पिछू दे दो बस। चिंता नहीं है ना, मैं कहाँ से जगह पैदा करूँ, अब नीचे रखता हूँ तो अरे ये पिछू रख, हाँ टमाटर बेच साठ ओ बे बे का कहने पैसे नहीं, बाकी 60 रुपया दे, मैं नीचे देख लो ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है ये पिछो, ओके जी ओके मेहरबानी, अब बिना मैं शीशा बंद कर दो, शीशा बंद करके ना चलो अभी सुकून से नाम बात कर पाएंगे, ये बंदा जो है ना ये बड़ा अभी नहीं करना है, नहीं अभी बोलना क्योंकि वो टमाटर पे बहस थे ना। अच्छा तो सुबह कट्टा लिया था ना मैंने, वो 3.5 किलो कट्टा, आपने बोल दिया हम खाते नहीं हैं, तो अभी हम ना चिकन लेते हैं यहाँ से, वो कट्टा भी पकाएंगे चिकन भी पकाएंगे। अच्छा वो ले लो ना, मुर्गी लेता हूँ मैं, चलो अभी मुर्गी ले आओ फिर मैं ना कुछ बात कर लूँ जी। हाँ बात करो आप, वो मैं उधर फोन कर देता हूँ ना उसके पास मुर्गी होगी तो मैं यार अभी ना ये बंदा नहीं बताने दे रहा, मैं इंशाल्लाह आगे पहुँच के ना आपको बताऊँगा। क्या बता रहे, बताओ यार जो बताना है उसको बताओ। अच्छा जी बस जो बताना था बता दिया। अच्छा आपने बता दिया बस ठीक। अच्छा कहाँ गए थे आप, मेरे जरूरत नहीं है। अच्छा सारे घर वापस आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, दवाई वगैरह लेके एसी चल रहा होगा, गर्मी है बहुत, बच्चे को बचाएं गर्मी से ना, तो अभी एसी में बैठते हैं। चलो थोड़ी बहुत हवा लगवाते हैं इंशाल्लाह, फिर गाड़ी जाना हुआ साहब पे खड़ी कर दी है, इसके साथ दवाइयाँ वगैरह भी ये हैं, अभी अंदर चलते हैं एसी वाले रूम में इंशाल्लाह, एसी की हवा लगवाते हैं। बेडरूम में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ना इनका तो हर टाइम यही काम होता है, जेड़े वाले ऑलरेडी पे होना, अभी भी देखें ये पता नहीं किस बात पर बेडरूम है, ये जी एसी वगैरह भी चल रहा है, मुझे तो यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है लेकिन एसी नज़र नहीं आ रहा। और रोटी खा लो। अच्छा इस साइड पे एसी है, रोटी खा लो, चलो यहाँ से आपने लाख खोल लिए, यहाँ से देख के ठीक है, अब तुम बस साल टमाटर चिकन कितना रखे यहाँ से, और छत पे लाते हैं, छत पे कितना, गाड़ी की छत पे बाहर रखी है बाकी नहीं एक साथ है टमाटर प्याज और चिकन, सारे ना आपको ड्राइवर सीट नाल वाली सीट ही था बंदा बांध दिया आपको पीछे पीछे तेरे रखने जा देना सारा कुछ यार, आ जाओ इधर ठाक हो ऐसे, ओए होए होए होए, पहले सब आप पानी पिलाओ। अच्छा पानी, हाँ उनको पानी पिला दे, हम तो खुद पी लेंगे ऐसे, बाकी ना मैं ये बताता चलो आपको कि आप बैठो, सबको पानी पिलाती है, पानी पीते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह शाम का खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया अभी इतने जल्दी नहीं, 3 बजे शुरू करेंगे, चलो 5-6 बजे तक रेडी हो जाएगा। आपने उधर भेजना नहीं अभी, मैं यार थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर वो सासू माँ को लेके जाना है यार, चलो मेरे ना सर में दर्द है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, सारे ना जाओ सर दर्द पै गया उसे, पता चल नहीं मैं तो के
अच्छा मैं ये बता दूँ, दवाई वगैरह दिखाओ ज़रा। एक इंजेक्शन जो है वो हमने लगवा लिया, तो उसके बाद अब मुन्ना उठ गया। हाँ जी उठ गया। ये ना इसको इंजेक्शन लगवाया, इसको सुकून आ गया था फिर थोड़ी देर, अभी ना जाग हो गई है इसकी। चलो फिर आज काले पाने वगैरह पहले, उसके बाद ना हम दवाई वगैरह दिखाते। वह हंसता है वह, आज तो हंसी आ रही है वह, पहले थे कैसे वाह है। तो नाने जान भी आ चुकी हैं, खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है, नाश्ता था चने का और देसी घी वाली रोटी। तो अभी नाने जान आपको मैंने एक बात बतानी थी ये अहमद साहब के बारे में, आप उनकी अम्मी है ना, तो आपको बताना मुनासिब समझा। इसके ना क्लास लेनी है आज, इसने कल हमारे साथ क्या किया, हमें घर से धक्के देकर निकाला, बोलता है कभी अंदर यहाँ कदम भी मत रखना। क्या ये हमारा घर नहीं है, क्यों ना आए हम, ये से पूछें ज़रा। वो ये था कि इन्होंने, हमने कहा अभी बैठो चावल पक रहे हैं खाना खा लो, इन्होंने कहा हम तो गोटे वाली बिरयानी खाते हैं उधर बनी हुई है, हम वो खाएंगे। फिर क्या करता मैं, मैंने कहा चलो जाओ निकलो खाओ। निकलो ना, नहीं आखना चाहिएगा। तो वो क्या, अच्छा आज उन्हें तो अरे रोटी है खाना वगैरह नहीं है, तो कहा भरा नहीं खाओ, जो को खाओ खा भी लो, बेजाड़े असारे खा करो, बेजाड़े खा भी ना है, जाइए बात धिके ले तो निकाल दिया बाहर, ये तो गलत बात है ना, ये तो नहीं करनी चाहिए। वो ना आपको पता है वीडियो में ना मजाक करते हैं, अब सीरियस में थोड़ी निकाला है इनको। मजाक करते हैं ना, मजाक कर रहे थे भारत के लिए थे, ये नहीं करता ना। अच्छा बाल है अपना दोत्रे है अरे भांजे है, पता कितनी दूर तो आया बहावलपुर से। वो मुझे पता था दावत है उनकी, मुझे पता था उनकी दावत है, फिर मैंने मजाक में कहा चलो जाओ 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 उधर देर हो रही है, आपको कहीं खत्म ना हो जाए, निकलो निकलो। चलो वो तो ठीक है, आपने बोला जाओ जाओ निकलो, ये भी बोला अंदर यहाँ कभी नहीं आना। हाँ निकलो, पता क्या निकला कभी नहीं आना, इधर आओगे तो टांगे तोड़ दूंगा। ये मजाक होते हैं, आपकी टांगे तोड़ी है ऐसे समझ लो मजाक किए ना, अब सीरियस नहीं बोला ना, मजाक तो बताओ तो सही, आप मजाक था, सीरियस बोलता। अच्छा ऐसा मैं ना करता ठीक है, आपको घर से ना निकालता, फिर आपकी वीडियो कोई नहीं देखता। अच्छा आपको पता है इस चीज का, अब मुझे पता नहीं है लेकिन ये पता है, मैंने आपको ऐसे बोला ना तो दुनिया ना देखने लग गई, उसने कहा वाह 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 ये तो गलत है ऐसे, मतलब जो मेरे जो दुश्मन है ना वो आपकी वीडियो देख के ना आपके, मैंने देखा कमेंट बंद थे, आप ऑन करते ना तो वहाँ पे बोलते हैं इसके घर क्यों गए हो, ये ऐसा बंदा है वैसा है फलान है ढींग है ढूंढ है इस तरह। कमेंट कैसे बंद, मैंने तो कभी किए ही नहीं जिंदगी में, कमेंट आपके बंद ऑटोमेटिक हो गए होंगे। चलो जी क्लास हमने लेने के, हाजिर जी आइंदा ऐसा नहीं होगा जी, एक मजाक मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपकी वीडियो चले या ना चले। नहीं फिर अगर ऐसे करेंगे ना वो तो नानी डंडा उठा लेंगे। ओके हो गया, आज आपकी दावत है, आज आपकी दावत है, आपने खाना खाना इधर। चलो ये तो फिर इज्जत वाली बात आ गई, आप तो इज्जत दे रहे हैं ना, ऐसे किया करो यार, ऐसे करे ना तो बस क्या बताऊं यार, समझा कर तू यूट्यूबर है, समझा कर तुझे क्या समझाऊं मैं, आप बस ठीक है, जो बोला मजाक था। हाँ ये बात, टेंशन मेंशन ना लिया करो। हाँ मैं आपको सर में ईंट भी मार देता, परेशान ना होते आप, वो मजाक समझते, पट्टी करवा लेते बस फिर आ जाते। आप मेरे अल्लाह के बंदे कपड़े शपड़े फाड़ जाते हैं, कभी ईंट मार देते हैं, कभी डांट मार देते हैं, मजे लगे। अच्छा मैंने सच्ची समझा था ना, इसलिए मैं नाने को बताया। आप नए नए हो ना, इधर आपको पता नहीं है, इधर ऐसे मजाक चलती है। चलो जी अभी जो मुखलस वालों के घर पहुंच चुके हैं, बच्चे जो है ना वो देख रहे हैं कंप्यूटर,
तो उसके साथ नंबर था जो है ना वो बालों को खिला रहा है, एक वो वाला है, एक ये है साकिब। हाँ भी कुछ बेहतर है ना तबीयत, अभी खेल रहा है। नहीं खेलता तो है, पहले भी खेलता था, पहले भी ऐसे बातें भी करता था, खेलता भी था। ये मोशन की वजह से ना ऐसे चिड़चिड़ा हो गया था। जैसे मैं कमजोर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दवाई लेके आ चुके हैं, जैसा कि सबने देखा है मामू अहमद भी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक उनको खुश रखे सलामत रखे, कि हमने उसको बोला था कि हमारे साथ चलें दवाई लेने के लिए, तो उसने इनकार नहीं किया, उसने बोला कि चलें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, ये भी हमारा बच्चा है, और हमको दुख होता है कि ऐसे वो बच्चा कोई तकलीफ में होना हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए हम उनके साथ गए थे उनकी गाड़ी पे, जैसा कि सबने देखा है खानपुर में, उधर से दवाई लेके आ चुके हैं, उधर से एक इंजेक्शन लगवाया, उठाया नहीं जाता है तो अब दूसरी दवाई जो है ये है हमारी, उसने बोला तीसरे दिन जो है चेकअप करवाना है, फिर देखेंगे, अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। एक इंजेक्शन लगवाया है सबसे पहले, ये चेक करें इसके, बस ये रिपोर्ट है, इसको रखो। हाँ जी इसको नहीं करो साकिब, इसको नहीं करो मरजम अली, इसको पीछे करो, वो बोतल दे दो इसको, छावे भी दे दो, ये लो। उसके बाद जो है ये लो, अभी ये इंजेक्शन जो है ना ये लगने हैं। तीन, एक शाम को, एक सुबह, एक फिर शाम को, ये तीन इंजेक्शन हो गए, और उनके साथ ये जो होते हैं तीन स्पंजे होते हैं। हाँ जी, और उसके बाद ये दो शाशे, आधा चम्मच, ये आधा चम्मच मतलब आधे आधे पिलानी है सुबह शाम, या भी शाम को पिलाना। ये भी देख लिया साबन जी ने, और ये है शरबत, एक तेल टाइम पिलाना है इसको, पौना चम्मच आधे से थोड़ा सा ऊपर जी। बच्चों वाला डॉक्टर था, जैसे मैंने उसको बताया कि हम भावलपुर से आए हैं और इसके घर से पैदा हुए, ये ऐसे उसने बोला है कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगा। तो ये भी है, ये इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन है, और ये जो भी इंजेक्शन होंगे। हाँ जी ये भी इंजेक्शन, हाँ जी इंजेक्शनों से आप ठीक होगा, सिर पे हम ले लेके ना इंशाल्लाह। तो साबन भी उन्हें दुआ करना है, क्योंकि साबन भाइयों को पता है कि हम उधर से भी यही दवाई इस्तेमाल कर रहे थे, इधर आए हैं तो इधर भी वही दवाई इस्तेमाल कर रही है। क्या रहना है, चलो अल्लाह खैर करेगा, अभी तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। साबन भी दुआ करें, हम दवाई लेके आ चुके हैं, और इंशाल्लाह साकिब भी को ठीक हो जाएगा, क्योंकि परेशानी ये होती है जब से पैदा हुआ है ना, इसको मोशन मोशन जा रहे हैं, दवाई लेते हैं फिर भी वैसे ना रहे, तो फिर भी वैसे, बस आप अल्लाह पाक खैर करें। अच्छा जैसा कि आपको पता है कि दावत हमारी आज उधर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मामू के यहाँ हमारी दावत है। मामू बहुत सारे हैं, नाम बताया था। हाँ मामू अहमद बताया था, पहले ऐसे मामू बोला, फिर मैंने कहा हाँ बहुत सारे मामू हैं, पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो में उसने भी बताया है ना कि आज हमारी दावत। मेरा कहने का मतलब यह है टाइम से रेडी हो जाओ, बंदा जो है ना बड़ा सख्त है, वहाँ मैंने टाइम से वहाँ जाना होगा जी। तो अभी आप ये वीडियो को कन्वर्ट लगा दें, वीडियो डाल दें तो चलते हैं फिर, अभी साथ ही अगर खेल रहा है ना तो इसलिए खेलने दो ना उसको, अभी तो काफ़ी देर है, अभी दिन का टाइम है, तकरीबन 5 बजे भी हम जाए ना। फिर इंसान हाँ जी रेडी हो बकरा खाने के लिए? हाँ जी बकरा नहीं है, बकरा नहीं कट्टा होता है, जो कट्टा कट्टा कट्टे का गोश्त, ये देखो मेरी बात सुनो, कट्टे का गोश्त मेरा दोस्त, चलो जी बच्चा जो ना खेल रहा है अभी, इसको ना मैं वीडियो। हाँ ये अब माशाल्लाह से ड्यूटी आया था ना, तो किसी बच्चे के साथ नहीं खेल रहा था, अब देखें बीबी के साथ खेल रहा है। मैं जरा वीडियो कंप्लीट करके ना इंशाल्लाह फिर डालूंगा। ओके मामे जान में पहुँच चुके हैं चाय का प्याला लेकर, क्योंकि मैं अभी देख रहा था दोपहर वाली चाय जो ना आप लोग नहीं बनाते, शायद हम तो आ जाए थे टाइम पीने के, यहाँ पर मैं इधर उधर देख रहा था लेकिन मुझे नजर नहीं है। हाँ
मैंने कब का जब से आया उस दिन का बोला है कि दोपहर के टाइम दूध नहीं मिलता, मैं बना के फरमाश फुल करके रख देती हूँ, सुबह का नहीं मामी शाम तक वो गर्म होती है। वैसे अभी देख रहा था, अभी अभी मेरे कप जो है ना नहीं आया, अभी है। हाँ रखी है, आप पी लो अपने। ये देखो इतना आधे से ज्यादा, ये कम है थोड़ी और, अभी पकड़ो इसके बाद और डाले। हाँ अच्छा मामू के लिए, मामू मैंने देखा पहले उधर दौड़ के जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे, जाम के पास भागते हुए। वो वाक कर रहा था साथ साथ। अच्छा हाँ वो ऐसे जोर से ऐसे 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 कर रहा था। ये देखे सुबह वाला नाश्ता अभी हो रहा है, दोपहर वाले दोपहर वाले आज भूख लग रही थी। आपने तो खाया सुबह की नाश्ता, अभी आज दावत हमारे उधर है, हम मामू अहमद वालों के यहाँ। नहीं दावत नहीं खाए, रोटी खाई है, ऐसे छोले मंगवाए खाना, मतलब उनका हिस्सा हमने खा लिया, उन्होंने नहीं खाया ना। बड़ी दावत है, कट्टे का दोस्त है, तो उन्होंने बोला वो मेरा मोबाइल पड़ा है, उन्होंने बोला जो जो भी दावत पे आना चाहे ना किसी को इनकार नहीं है, आ जाओ कट्टा खाओ, बहुत ज़्यादा मंगाया है, 3.5-4 किलो है। मेरे लिए 1 किलो पूरा बनाएंगे चलो नाश्ता खा लें, खाना पीना खा लें, चलो मैंने वीडियो को डाल लें जरा, फिर मिलते हैं।